व्यूअर्स, हम लोग खानावाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, जो कि बहुत बड़ा जंक्शन है पाकिस्तान का, और ये डिस्ट्रिक्ट खानावाल का इलाका कहलाता है। तो अभी गाड़ी जो है वो खानावाल रेलवे स्टेशन पे जो है इंटर होगी, और वहाँ पे इसका 2 से 5 मिनट का स्टॉप है। वैसे तो 2 मिनट रुकती है, लेकिन देखते हैं कि 2 मिनट के बाद निकलती है या 5 मिनट बाद निकलती है। तो आगे हमारा डबल ट्रैक शुरू हो जाएगा खानावाल टू मुल्तान, और वो जो डबल ट्रैक है वो हमारा कराची जाता है, ठीक है, और वो लाहौर टू कराची जो है हमारा डबल ट्रैक चलता है। तो खानावाल बेसिकली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हमारे 2 ही ट्रैक जो हैं वो इन होते हैं और 2 ही हमारे आउट होते हैं, ठीक है। तो लाहौर वाली साइड से एक लाहौर से ट्रैक आ रहा है जो डबल ट्रैक है, और एक सिंगल ट्रैक है जो फैसलाबाद की साइड से आ रहा है, ठीक है। और जबकि जो आउट होंगे, ये मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, जो आउट होंगे वो एक जहानिया के थ्रू लोधरा, ठीक है, समरसता लोधरा से वो डबल ट्रैक शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है। और जो मुल्तान है, मतलब खानावाल से अगर आप मुल्तान वाला रूट पर जाएंगे तो वो डबल ट्रैक शुरू हो जाएगा खानावाल से ही, और अगर आप लोधरा के थ्रू, मतलब जहानिया लोधरा के थ्रू जाएंगे तो आपका सिंगल ट्रैक होगा। लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जैसे ही आएगा तो वहाँ पर डबल ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो चलें, ये ब्रिज आ गया खानावाल का, ओवरव्यू है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे का ब्रिज है, और वो सामने दूसरा ट्रैक है। ये खानावाल का लोकोमोटिव शेड है, और यहाँ पे ऑयल स्टोरेज टैंक्स पड़े हुए हैं। ये यूज़ में नहीं है, लेकिन ये है कि ये फिर भी इसको, ये जो ट्रैक है ये लाहौर से आ रहा है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये लोकोमोटिव शेड है जिसकी हालत जो है इस टाइम बिल्कुल खस्ता हुई हुई, और यहाँ पे अंदर एक क्रेन भी खड़ी हुई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर किसी भी इंजन की मेंटेनेंस करनी होती है तो यहाँ पे हमारे कुछ मैकेनिक्स हैं पाकिस्तान रेलवे के, जो इसको रिपेयर कर देते हैं। तो इसका इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है यहाँ पे, लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी लोको शेड खानावाल जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसका वो जो सामने का एरिया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो यूज़ में है। तो ये सामने हमारे ओल्ड रैक्स खड़े हुए हैं, इंस्पेक्शन रैक्स हैं ये, और हमारी जो गाड़ी है वो खानावाल रेलवे स्टेशन पे इंटर हो रही है। तो काफ़ी इन्होंने माशाल्लाह खूबसूरत रेलवे प्लेटफॉर्म्स बना दिए, और पाकिस्तान रेलवे ने काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है। काफ़ी रेलवे स्टेशन जो हैं वो हमारे इन लोगों ने रिपेयर करके उनको न्यू लुक दिया, और बहुत ही उनको एक अच्छा लुक दिया इन लोगों ने, क्योंकि हमारे पास ये ओल्ड सिस्टम था। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम भी अब इम्प्लीमेंट हो चुका है पाकिस्तान रेलवे के अंदर, और होप कि आहिस्ता आहिस्ता एवरीथिंग इज़ गॉन्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लिंक जो है वो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फेसबुक के पेज का, तो आपको ये वीडियो जो है फेसबुक पे भी मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं जितने भी सफ़र करूंगा ट्रेन पे, इंशाल्लाह ताला आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा, पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान रेलवे की खूबसूरती। सो आई ऑल्सो आर ट्रेन लवर एंड पाकिस्तान रेलवे एंड वर्ल्ड वाइड ऑल ट्रेन आई लाइक। ये कुछ यहाँ पे रिपेयरिंग्स भी चल रही हैं यहाँ पे, ये रेजिडेंस है पाकिस्तान रेलवे खानावाल का। कुछ ये न्यू ट्रैक्स जो हैं ये इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे रखे हुए इन लोगों ने। और इसका जो कैबिन है रेलवे कैबिन, वो भी बहुत कमाल का है। तो गाड़ी हमारी स्लो मोशन में इंटर हो रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का,
ये खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो है कैबिन है, यहाँ पे जो हमारे ट्रैक सिस्टम है उसको यहाँ पे चेंज करने के लिए लीवर्स के थ्रू हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। तो गाड़ी हमारी इंटर हो रही है, ये खूबसूरत नज़ारा होगा ट्रेन लवर्स के लिए। खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे एक न्यू प्लेटफॉर्म भी बनाया क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो डे बाई डे जो है वो बढ़ रही है। सो डैट्स वाई इन लोगों ने एज़ पर रिक्वायरमेंट्स ह्यूमिनिटी रिक्वायरमेंट्स, सो डैट्स वाई पाकिस्तान रेलवे क्रिएट अ न्यू स्टेशन इन खानेवाल प्लेटफॉर्म। सो यस, एक खूबसूरत तरीके से गाड़ी का अंदाज पाकिस्तान रेलवे स्टेशन में दाखिल होने का, खानेवाल रेलवे स्टेशन में इंटर होने का, और बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये, और काफ़ी डेवलप किया है इन लोगों ने, यहाँ टफ टाइल्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हमारी जो गाड़ी है वो इस टाइम जो है इंटर हो रही है, और टाइम जो है वो इस टाइम 2:38 PM हो चुका है, और गाड़ी ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट डिले है। तो देखें आप, इन लोगों ने खानेवाल जंक्शन को जो है वो डेवलप किया है, ये यहाँ की कैंटीन है और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो देखते हैं अब गाड़ी हमारी यहाँ से कितने टाइम में डिपार्चर होती है। जी तो ट्रेन का सिग्नल जो है वो इस टाइम ग्रीन हो चुका है, तो अभी कुछ ही देर में हमारी जो ट्रेन है यहाँ से रवाना होगी। काफ़ी बिजी स्टेशन है ये, यहाँ पे ज़्यादातर मॉर्निंग्स में अपसाइड की ट्रेन आती हैं। ट्रेन हमारी जाने के लिए तैयार है, टाइम है इस टाइम 2:43, और अगर हम 24 आवर्स काउंट करें तो 14:43। तो गाड़ी अब हमारी चल पड़ी, सबस झंडी जो है वो हिल चुकी है इस टाइम। हमारे जो लास्ट रैक के अंदर जो गार्ड हैं वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। सो जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उन्होंने ट्रेन्स को रन किया यहाँ से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है खानेवाल का, खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। Beautiful. ये एग्जिट है प्लेटफॉर्म नंबर 7 का, और यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पे भी जा सकते हैं, और आउट ऑफ द स्टेशन भी हो सकते हैं यहाँ से। अगर आपने आउटसाइड पे जाना है तो इसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड इस्तेमाल हो सकती हैं। इसकी लास्ट कैंटीन थी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म नंबर 7 भी। तो अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 था जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है।
और इसके बराबर वाला जो प्लेटफॉर्म है वो 1, और जो न्यू है वो उसको ये 8 और 9, आई थिंक 8, 9 या 10, 11 का जो टैग है वो इसको देंगे। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता जाऊँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा जो है ट्रेन्स आती जाती हैं, और हम लोग खानेवाल रेलवे स्टेशन से एग्जिट हो गए। तो गाइज मैं आपको अगेन रिपीट करता रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको मज़ीद और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं पाकिस्तान रेलवे की जर्नी की, पाकिस्तान रेलवे इन्फॉर्मेशन और उनकी जो डिटेल है उसके बारे में आपको बताएंगे। सो प्लीज़ लाइक माई पेज ऑन फेसबुक एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एक खूबसूरत व्यू ट्रेन का टर्न लेते हैं। हमारी जो अपसाइड की ट्रेन हैं वो खानेवाल रेलवे स्टेशन पे सुबह में आती हैं, और बहुत कम ट्रेन हैं अपसाइड की जो शाम में आती हैं। मोस्टली जो ट्रेन हैं वो मॉर्निंग में आती हैं, और जो डाउन्स की ट्रेन हैं वो हमारी शाम में आती हैं। असर के बाद 4 बजे के बाद जो है हमारी जो ट्रेन है वो डाउन साइड की आना शुरू हो जाती हैं, और ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान का सेंटर भी बनता है ये खानेवाल रेलवे स्टेशन। जी तो अब आप इस केबिन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही गरीब है। ड्राइवर ने ट्रेन को अचानक रोक दिया। जी तो रेलवे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई बच्चा ट्रैक पे आगे आके बैठ गया था, इस वजह से इमरजेंसी में उसको ड्राइवर को गाड़ी को रोकना पड़ा। सो अब आफ्टर क्लियरेंशन हमारी जो गाड़ी है वो दोबारा से चल पड़ी है। जी खानेवाल स्टेशन को लीव करते हुए, जी तो ये खानेवाल रेलवे फाटक इन्होंने क्लोज कर दिया है ड्यू टू अंडर पास ओपनिंग। तो ये खूबसूरत व्यू है। यहाँ से हमारे 2 ट्रैक जा रहे हैं, एक जो ट्रैक है वो मुल्तान के लिए और एक जहानिया और लोधरा के लिए। तो अभी मैं आपको जहानिया और लोधरा वाला ट्रैक दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो मुल्तान के रूट पे जा रही है। तो यहाँ से डबल ट्रैक शुरू हो गया है मुल्तान के लिए, मतलब कि मुल्तान और कराची के लिए, और जबकि जो ये जहानिया वाला ट्रैक है ये टर्न हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो ये जो ट्रैक है हमारा, ये ट्रैक जहानिया के रास्ते लोधरा और लोधरा में दोबारा मुल्तान का ट्रैक मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी मुल्तान से लोधरा जाएगी, और यहाँ से ये ट्रैक है ये जहानिया के थ्रू लोधरा जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रैक टर्न हो रहा है लेफ्ट साइड पे, और ये जो ट्रैक है ये हमारा जहानिया के थ्रू लोधरा, और ये जो हम सीधा जाएंगे मुल्तान, तो मुल्तान से आगे शुजाबाद से फिर हम भी लोधरा, ये ट्रैक वहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें भी ये ट्रैक जा रहा है जहानिया और लोधरा के लिए, और जबकि हमारी जो ट्रेन है वो मुल्तान के लिए है। तो हम लोग स्टेट जा रहे हैं,